हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.6। 1.5 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे 1.6। 1.6 में हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। हमारे पास एक्स और वाई दो सेट दिए हुए हैं। आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एक्स हमारे पास कितना है? 17। नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। फाइंड करना है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमारे पास जो गिवन है वो नोट करेंगे, क्या है? नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू 23 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पूरी एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई के। जो इसमें से गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमें फाइंड करना वो आ जाएगा। एक्स यूनियन वाई हमारे पास कितना दे रखा है? 38 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? 17। नंबर ऑफ वाई कितना है? 23 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 38। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा? 40। 40 को इधर लेके आएंगे, माइनस 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। 38 माइनस 40 क्या आएगा हमारे पास? माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 2। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू सेट्स। x और y हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स। x यूनियन y के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। x हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड x के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं एंड y हैज़ 15 एलिमेंट्स। y के अंदर 15 एलिमेंट्स हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें फाइंड करना है। गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 15 और नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 18। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन वाई। हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। यूनियन नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई हमारे पास क्या है? 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स हमारे पास 8 है, नंबर ऑफ वाई प्लस 15 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास क्या है फाइंड करना है। ये इसको इधर से उठाएंगे इधर ले आएंगे, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। 18 प्लस 15 हमारे पास क्या आएगा? 23 प्लस 18 को इधर लेके आएंगे, माइनस 18। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 18 हमारे पास क्या आएगा? 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक 400 पीपल का कोई ग्रुप है, 250 कैन स्पीक हिंदी, इनमें से 250 हिंदी बोलते हैं, 200 कैन स्पीक इंग्लिश और 200 इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे कितने आदमी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं ये हमें फाइंड करना है। हम मान के चल पड़ेंगे, लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। एच हमने वो सेट मान लिया जो हिंदी बोलते हैं एंड ई बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश और ई हमारे पास वो सेट होगा जो इंग्लिश बोलते हैं। नंबर ऑफ एच, एन ऑफ एच, तो नंबर ऑफ एच हमारे पास हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 250 एंड नंबर ऑफ ई इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास कितने हैं? 200। नंबर ऑफ एच यूनियन ई दोनों लैंग्वेज बोलने वाले की एक ग्रुप के अंदर टोटल कितने हैं? 400 है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गया? जो हमारे पास टोटल होता है वो यूनियन में आता है, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू 400। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। एच यूनियन ई हमारे पास क्या आया? 400, नंबर ऑफ एच 250 प्लस नंबर ऑफ ई हमारे पास 200 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये माइनस है इसको इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा। अब 400 250 प्लस 200 हमारे पास क्या आ जाएगा? 450 माइनस
400 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 15। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, हमारे पास दो सेट हैं एस एंड टी, सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स और एस के अंदर 21 एलिमेंट्स हैं, टी हैज 32 एलिमेंट्स और टी के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स और एस इंटरसेक्शन टी के अंदर 11 एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी, हमें फाइंड करना है एस यूनियन टी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। हमें गिवन है क्या क्या है, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना है 21, नंबर ऑफ टी हमारे पास कितना है 32, एंड नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। अब हमें ये फाइंड करना है यूनियन के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। एस नंबर ऑफ एस यूनियन टी एज इट इज रखेंगे, नंबर ऑफ एस हमारे पास 21 है प्लस नंबर ऑफ टी हमारे पास 32 है, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन 11 है हमारे पास, दोनों को प्लस करेंगे 53 माइनस 11, हमारे पास नंबर ऑफ एस यूनियन टी कितना आएगा 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स और वाई हमारे पास कोई भी दो सेट दिए हुए हैं और हम नंबर ऑफ एक्स एंड वाई हमारे पास क्या दे रखे हैं 40 एलिमेंट्स एंड एक्स यूनियन वाई 60 एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास 10 एलिमेंट्स दिए हुए, हमें फाइंड करना है डज वाई है तो वाई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 40 है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई हमारे पास कितना है 60 एलिमेंट्स है और एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10 एलिमेंट्स है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास है ही नहीं, फाइंड करना है माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 10 है, 40 में से 10 जाएगा 30 आ जाएगा और 30 को इधर लेके आएंगे 60 माइनस 30 आ जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, एक ग्रुप है कितने पीपल्स का है 70 पीपल्स का है, तो इट मीन्स हमारे पास यूनियन क्या आ गया 70, 37 लाइक कॉफ़ी, उसमें से 37 कॉफ़ी को लाइक करते हैं, 52 लाइक्स टी और 52 टी को चाय को लाइक करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन, और हर एक कम से कम एक को तो हर एक पर्सन लाइक करता है ऑफ द टू ड्रिंक्स, इन दोनों में से कम एक को तो हर कोई लाइक करता है, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, हमें फाइंड करना है कि जो दोनों को लाइक करते हैं कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करते हैं, लिखो लेट सी एंड टी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी एंड टी, सी और टी हमारे पास दो सेट डिनोट किए हैं हमने, जो सी कॉफ़ी को लाइक करता है और टी को लाइक करते हैं, अब हमारे पास नंबर ऑफ सी यूनियन टी जो दोनों को जो हमारे पास टोटल पीपल हैं यूनियन में हमारे पास टोटल आता है, तो टोटल हमारे पास कितना है 70, नंबर ऑफ सी को कॉफ़ी को कौन कौन कितने लाइक करते हैं 37 एंड नंबर ऑफ टी को कितने लाइक करते हैं 52। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ सी यूनियन टी हमारे पास कितना है 70 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी हमारे पास 37 है प्लस नंबर ऑफ टी हमारे पास 52 है माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, माइनस है इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 89 माइनस 70, 89 माइनस 70 हमारे पास क्या आएगा 19, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स का एक ग्रुप है, तो इट मीन्स हमारे पास दोनों का यूनियन क्या आया 65,
40 लाइक क्रिकेट है, 40 हैं वो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस से दोनों को लाइक करते हैं। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, ऐसे कितने बंदे जो ओनली टेनिस को लाइक करते हैं बट क्रिकेट को लाइक नहीं करते। हाउ मैनी लाइक टेनिस से, और ऐसे कितने हैं जो टेनिस को भी लाइक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। नंबर ऑफ लेट सी एन टी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। से हमारे पास सी और टी हमने डिनोट किया है सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल है। नंबर ऑफ सी हमारे पास कितना है, 40 लाइक क्रिकेट, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 40। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन सी दोनों किस कितने ऐसे हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ सी यूनियन टी। नंबर ऑफ सी यूनियन टी हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। नंबर ऑफ सी यूनियन टी हमें कितना दिया हुआ है, 65 दे रखा है। नंबर ऑफ सी हमें कितना दे रखा है, 40 प्लस नंबर ऑफ टी एज इट इज माइनस 10। 65 40 में से 10 माइनस करेंगे 30 आएगा, इसको इधर लेके आएंगे, 65 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 35। अब हमें फाइंड करना है हाउ मैनी लाइक टेनिस। हमारे पास दो क्वेश्चन थे, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट ए क्रिकेट, ऐसे जो सिर्फ टेनिस खेलते क्रिकेट नहीं खेलते, और हाउ मैनी लाइक टेनिस। हमने ये तो फाइंड कर दिया कि टेनिस कितने खेलते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, ऐसे बंदे फाइंड करना है जो टेनिस खेलते हैं बट क्रिकेट को नहीं खेलते। अब हम इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, टी माइनस सी टेनिस खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते, यूनियन टी इंटरसेक्शन सी। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, टी के इक्वल आता है, लेकिन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी क्या आता है, 5। हमें फाइंड करना है कि एन टी नंबर ऑफ टी जो ओनली हमारे पास टेनिस खेलते हैं वो कितने हैं, 35। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ टी माइनस सी जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते, प्लस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी जो दोनों में हमारे पास कॉमन है, वो हमारे पास कितने हैं, तो ये हमारे पास 35 है। अब टी माइनस सी हमें फाइंड करना है, प्लस 10 आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टी माइनस सी इज इक्वल टू 35 माइनस 10 कर देंगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टी माइनस सी इज इक्वल टू 35 माइनस 10 आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टी माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट। इन ए कमेटी 50 पीपल्स कैन स्पीक फ्रेंच, एक कमेटी है और उसके अंदर 50 पीपल्स क्या है, स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश और 20 ऐसे जो स्पेनिश बोलते हैं, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और 10 ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, ऐसे कितने हैं जो इन दोनों में से कम एक लैंग्वेज जरूर से जरूर बोलते हैं। तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है कि टोटल कितना है हमारे पास। लेट एफ एंड एस बी द सेट ऑफ पीपल इन द कमेटी हु स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश। एस और एफ हमारे पास क्या है, ऐसे पीपल्स का सेट है जो कमेटी के अंदर फ्रेंच बोलते हैं एंड स्पेनिश बोलते हैं। नंबर ऑफ एफ फ्रेंच बोलने वाले हमारे पास 50 हैं, नंबर ऑफ एस स्पेनिश बोलने वाले हमारे पास 20 हैं, एंड नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी और दोनों बोलने वाले हमारे पास 10 है। अब हमें निकालना है कि टोटल कमेटी में कितने हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो हर कोई बोलता है। नंबर ऑफ एस यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। नंबर ऑफ एस यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ हमारे पास 50 है, नंबर ऑफ एस हमारे पास 20 है, माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 10 है। 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।